जाओ, गेट नंबर 4 से नॉन एंट्री ली है। वेलकम बैक टू द चैनल, आज नया दिन नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। सो आज हम आपको लेके चलते हैं इको पार्क, जो कि सबसे बड़ा इको पार्क है, मतलब कोलकाता में जो है सबसे बड़ा है इको पार्क। तो वहाँ पे वंडर्स पार्क, आप लोग 7 वंडर पार्क देखने मिलेंगे एंड कई सारी चीज़ें, बोटिंग अवेलेबिलिटी है, रूम्स हैं, मतलब कई पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 7-8 गेट्स हैं ऑलरेडी जाने की रास्ता। बाकी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे बताने में और दिखाने में अंतर है। तो आगे चलिए चलते हैं, दिखाते हैं चल के आप लोगों को एंड टूर कराते हैं। फुल ब्लॉग अच्छे से देखिए एंड एंड तक देखिए, तो ताकि पता लग सके आप लोगों को क्या क्या है इसमें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। चल रहे हैं, वो भी न्यू टाउन में पड़ता है ना, तो भाई इसी रास्ते से होके जाते हैं। बाकी ये देख सकते हैं जो सामने बिल्डिंग दिख रही है भाई, ये इको मतलब विश बंगला गेट है। इसके मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। जाके चलते हैं आगे। तो हम लोग 4th वाले गेट पर पहुँच चुके हैं, जो जहाँ पर आईफिल टावर पड़ता है ना, तो ये वही वाला गेट है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मेन एंट्रेंस पे, जहाँ पे वो जो इको वंडर्स पार्क जो है, वो मतलब वंडर्स वाला पार्क जो है वो सीधे पड़ जाता है तुरंत ही, थोड़ी दूर पे ही, मतलब एंट्री करते ही थोड़ी दूर पे पड़ जाएगा। तो बाकी वही चल रहा है अंदर एंड अच्छा वेदर था भाई, होता ना मज़ेदार वेदर, तो भाई वेदर बहुत अच्छा था, मतलब लेवल। क्योंकि असल में थोड़ी देर बाद बारिश होने ही वाली थी, मतलब पहले हुई थी, रुकी थी थोड़ी देर, फिर होगी। यहाँ गेट नंबर 4 की पार्किंग, अच्छा पार्किंग है प्रॉपर अंदर है तो तो भाई हम लोग इको पार्क आ चुके हैं और गेट नंबर 4 से हम लोगों ने एंट्री ली है एंड इधर ही मेन चीज़ें हम लोगों को दिख जाएंगी। इधर एक पार्किंग है, ये देखो दिख रही है भाई, वेदर अच्छा है, थोड़ा बहुत जल्दी कर लेते हैं, शूट कर लेंगे एंड इधर इधर क्या नाम है, इधर इतने सारे ये बने हुए हैं फूड वाले, खाने वाले, चलते हैं ज़रा टिकट लेते चल के भाई। तो भाई अपने को टिकट्स मिल गई थी, देख सकते हो आप लोग 120 मतलब टोटल 4 लोगों की टिकट्स हैं, बाकी डिवाइड कर लो आप लोग एंड बाकी चलते हैं अंदर। एंट्री यहाँ पे मतलब पास दिखाना था वही वाले ट्रेस वाला एंड चलते हैं अंदर। उसके बाद चलते हैं सीधे, देखो वो लेफ्ट साइड वो दिख रहा है वंडर्स ऑफ पार्क, फिलहाल पार्किंग दिखाते हैं आप लोग। बहुत अच्छी खासी पार्किंग है यार, मज़ेदार टॉयलेट एंड घुसते ही ये कुछ पिरामिड टाइप मिला है एंड रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे इधर साइड घुसते ही। गजब बना है। तो जो 7 वंडर्स देखना था, 7 वंडर्स जो है ये वाला अंदर जाने के लिए यहाँ पे लिया है हम लोगों ने टिकट एंड टिकट प्राइसिंग वही 30 रुपये, 4 टिकट्स हम लोगों ने लिए हैं एंड चलते हैं अंदर, देखते चल के क्या है कैसा है पता लग रहा है।
एंट्री करी है, वैसे ही एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड और तीसरा पिरामिड और ये गीज़ा एक साथ मिले हैं। और लाइट जलती होगी तो और अच्छे लगते होंगे। फिलहाल तो भाई मशीन ये देखो मज़ा लग रहा है, मज़ा लग रहा है, छुड़ा कर आया भाई यार। देखने लायक अंदर क्या प्रॉपर्टी करी गई है। अरे फुल फील हो रही है लेने के लिए। वो वाला खाली है, एक तो खोल दिया गया है, अभी इधर से उधर चलेंगे। देखो पता नहीं क्या करना भाई, ये पूरा आवाज़ की ऐसी तैसी कर रहा है भाई। ये देखो पता लग रहा हो, उधर वाले में घुसने का था, इस वाले में देखो पता नहीं है कि नहीं है घुसने का, देखते हैं चल के। एंड ये भी भाई अच्छा लग रहा है। एंड पीछे बादल तो बहुत प्यारे आ रहे हैं, तो उस वाले में अंदर पूरा दिखाया गया है कैसा बना हुआ है। बाकी चलते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है ये वाला, ये वाला। तो प्रोसेस बढ़िया है, पूरी क्लाइम लगी हुई है, लकड़ी लकड़ी ताजमहल है। हाँ गजब, ये देखो देखते हैं। खाली कुछ और इधर से काफी बना हुआ है यार, उधर बाहर निकलने की जगह है शायद। ओहो भाई करी बस भाई अच्छा बना हुआ कार्य, फुल शेप दे रखा है, लगता नहीं था मेरे को अंदर। तो थोड़ी कोशिश करी गई है दिखाने की अच्छे से। इधर क्या है, बाहर उतरने की जगह है बस खाली। तो एक अच्छा सा व्यू तो दिया जरूर गया है, मतलब डरने के लिए नहीं, दिखाने के लिए सब चीज़ें लगा के जरूर दी हैं ताकि एक एक्सेसिव लुक तो आ जाए। उधर भी सेम ही है, दिखा देते हैं आप लोगों को। एंड दिखाना क्या है, लोग दिखा दो भाई। लाइट मैंने इसलिए जलाई ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए थोड़ा जितना भी है पार्ट। इधर के हैं लोग बैठते बैठते हैं क्या, बैठते भी डरते हैं भाई, सही बात है। तो भाई इतना ही है इसमें, जो मैंने दिखा दिया। लाइट बंद करते ज़रा, निकलते हैं बाहर। अगली भाई बिल्डिंग है ये वाली, ये वाला। तो देखो ऊपर चल रहा है, दिखाते हैं हम लोगों को। भाई ये भी अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी खासी एंड ऊंची भी है, तो अच्छा सा बना हुआ है। वैसे पता है यहाँ पे लाइटें जलती होंगी तो और अच्छा लगता होगा एज यूजल सारी चीज़ें। फिलहाल एक दो तीन अपनी चीज़ें कवर हो गई, एंड चौथी है इधर सामने लगी हुई है। भाई उधर से इधर आए थे, देख सकते हो धूप यार बहुत तेज़ हो जाती, फिर धूप में घूमने का तो मन नहीं होता। ये देखो भाई ये है फोर्थ पीस एंड जॉइंट्स हैं ये,
सो भाई देखते हैं क्या लगे हुए हैं। तो मेरा सपना है असली में भी घूमने का भाई, है ज़्यादा अच्छा है। एक तो भाई लेट गया भाई, पता नहीं क्या, लेकिन रात में अच्छा लगता होगा, पता नहीं फिलहाल मेरे को अच्छा लगता होगा। एंड चलिए देखते हैं, अच्छी लग रही है देखने में। सो गजब है भाई। भाई चीज़ें बता रहे हैं आप लोग देखने लगे हैं भाई, गर्मी बहुत हो रही भाई, लग के हो रही गर्मी है। काफ़ी अच्छी बनी हुई है। एंड बीच में इसके पीछे वो वाली जो शॉप्स हैं, ये वाली बिल्डिंग बहुत अच्छी। अब आते हैं अपने ताजमहल पे। वो ताजमहल मैंने असलियत में भी घुमा दिया है, लेकिन एक साथ भी आप लोगों को दिखा देते हैं चल के, वो छूटेगा नहीं उससे, है कि नहीं। ओ भाई तो उधर से धूप से और अच्छा आएगा। ये देखो भाई ताजमहल ही है, दे आर रेनोवेटिंग इट। अच्छा है कि रेनोवेशन हो रहा है, एंड रेनोवेशन होना भी बहुत नेसेसरी है भाई, अच्छा लग रहा है देखने में। तो बताओ आप लोग कि ऐसा लगा यहाँ तक ये वीडियो। फिलहाल देखो एक दो तीन चार पांच चीज़ें हो गई हैं ऑलरेडी, एंड ये उधर है एंड सात उधर है। चलते हैं भाई, एक ही साइड नीचे एक ये बचा है, देन वाला। तो भाई ये देखने के बाद दो बहुत तेज भाई, दो ये देखने के बाद इस पे आ गए हैं सेवन वंडर्स के। सिक्स एंड सेवन्थ उधर है, अरे सिक्स पे चलते हैं देखते क्या है। रील्स बन रही है भाई, रील्स। ओ भाई अच्छा लग रहा देखने में, देखते हैं कहाँ से क्या है। छोटे बच्चों के लिए आसान है यार यहाँ से घुस जाना, जैसे हम भी घुस सकते हैं, पर क्यों ट्राई करना, उधर से देख लेंगे हम। This is called भाई ये कैसे दिखेगा अंदर से ये नहीं जानता मैं, लेकिन फिलहाल तो पानी में जाना पड़ रहा है यार मेरे को, जूते पहने हूँ ये बहुत अच्छी बात है फिलहाल, लेकिन है भाई ऐसा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है मेरे को जो भी बना हुआ है। एंड गजब भाई, उधर से हो सकता है बहुत और अच्छा हो। नेक्स्ट लो भाई सेंटर में आ गए, एंड दिस वाज इट सेंटर। सेंटर काफ़ी कूल है, दिस लुक्स काफ़ी डिफाइन एंड दस वी डिफाइन, काफ़ी अच्छा है एंड अच्छा लग रहा है देखने में भी यार। देखो व्यू भी अच्छा है एंड बाकायदा व्यू के साथ पूरी बिल्डिंग है, अच्छा मस्त कर दी है। देखो ये वाले जो घुसने के लिए बने हैं ना, ये वाले अंदर आपको अंदर तो ले आएंगे, लेकिन भाई ये देखो ये ऐसे घुसे और ऐसे बाहर निकलने के लिए। ये बिल्डिंग असली में तो बहुत बड़ी होगी भाई, तो मज़ा आती होगी काम करने में। गर्मी भाई बहुत तेज लग रही है, एंड ये यहाँ पर भी लगा हुआ है भाई, पूरा तब चोरी हो जाएगा, तो उसके बाद देखने आएगा कि हाँ बचा है कुछ है पार्ट। फिलहाल इस पे चलते हैं एंड देखते चल के कैसा है ये, किधर से किधर को है भाई ये। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है भाई ये, असली वाले में तो भाई नहीं चढ़ना मुझे बहुत मुश्किल है, असली वाले में तो चढ़ ही सकते हैं, देखते हैं भाई चल के कैसी है। काफ़ी अच्छी कूल सी लग रही है, एंड अब तक मूवी चांदी चौक पर जो है ना भाई, आप लोगों ने देखी होगी ना ये वाली बिल्डिंग, काफ़ी जितनी देखी है उसकी बात करो। या
देख लो भाई, गजब है। अभी हम लोग देख सकते हो फाइनली ऊपर जा रहे हैं एंड उतरने की जगह होप सो हो यहाँ से नीचे की ना बैंड बजना संभव है। ओ भाई गजब है। लेकिन भाई गर्मी बहुत है, आप लोगों को दिखा दिया मैंने। एंड ये कोलकाता का सबसे बड़ा इको पार्क है जिसमें कि सबसे फेवरेट चीज़ है वो यही की है। सो आप लोग यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं और 7 मिनट्स मैंने दिखा दिए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाकी बाय, बहुत सारी चीज़ों को लगाई दिखा दी। चलते हैं ज़रा बाहर यहाँ से। ओ भाई मस्त है यार लोकेशंस। ओ हो फर्स्ट, तो उतरने वाली जगह भी यही हो गई। एंड मैंने अपनी हिसाब से इसी जगह मैंने दिखानी थी। ये देखो भाई सही है, लड़कियाँ कुछ भी दिखाएं पीछे वाला जरूर दिखाएंगे। टॉप सीख कट करना पड़ेगा भाई साहब ये, लेकिन भाई ऐसी अगर है मुझे ये देखनी है इसलिए मैं देखूँ कब, पता नहीं कब संभव होगी भाई। अच्छी यार भाई 7 वंडर से निकल आ चुके हैं। यहाँ क्या है, बच्चों की राइड्स। अरे इधर से जाओ, ये देखो मुझे लगा था यहाँ पे जगह होगी। अरे यार जगह थी पता नहीं, फिलहाल यहाँ से अंदर जाने का मात्रा है। और छोरा छोरी पार्टी में मर्ज से जा रहे भाई। डू नॉट टच वाटर और थ्रो स्टोन। अरे देखो रेनबो बन रहा है, रेनबो ये रहा। तो भाई सब 7 वंडर्स के इधर आ गए, इस वाले पार्क में छोटा सा पार्क है। एंड इधर भी कैंटीन इधर भी है। एंड ऊपर चलने वाला छोटा सा ये बना हुआ है। एंड उधर वॉशिंग, उधर झूला झूलने वाला है भाई। इधर नॉर्मल सारी चीज़ें। बाकी इधर क्या है, चलने वाली चीज़ें, साइकिल रेंट्स मिलती है। और ये वाली ट्रेन देख लो भाई, टॉयलेट्स लिखे हुए हैं, टॉयलेट्स हैं लेकिन फोटो शूट है भाई भाई। लेकिन ट्रेन भी भाई अच्छी लग रही है, देख लो जरा घूम स्टेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फोटो शूट का 10 रुपये है, मतलब यहाँ पे खड़े होकर फोटो वोटो सजा कर लेनी हो आप लोगों तो मस्त। पार्क भी बहुत बड़ा है, पीछे तक है भाई पार्क को भी, बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। देखते हैं फिलहाल, अभी हम लोग को निकलना है वरना रुकते हैं यहाँ पे। एक ट्रेन आ गई है, देखो ये आ जा रही है भाई। और किस्मत आप लोगों की बढ़िया है, देखने मिल गई आप लोगों को। Thank you.
गजब। अभी जस्ट बारिश वारिश होने लगी, वेदर भाई अभी भी अच्छा है, बहुत बहुत बादल हैं। देखो यार पूरा पूरा ये हम लोगों ने पानी में घूमा है, देख रहे हो कितनी भी चीज़ें हैं पानी में कवर करी हैं। एंड फिलहाल इस वीडियो को ये इतना ही रखते हैं, पूरा मैंने पार्क में दिखा पाया, उधर वाला पार्ट बच गया है, गेट नंबर इधर वाले पूरे हो गए 2-3। सो फिलहाल इस वीडियो को लेते रखते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक अलग ब्लॉग में। एंड फिलहाल यहाँ से भी निकल रहे हैं घर के लिए, मतलब अपने घर के लिए। फिलहाल बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, एंड कमेंट जरूर बिलो कि कैसा है ये इको पार्क। फिलहाल सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, जो मेन मेन चीज़ें थी वो भी आप लोगों को दिखा दी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय। यहीं पे इसी पार्क का ब्लॉग ख़त्म करें, एंड यहाँ से भी घर निकल रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रखी है, ऑलरेडी हम खुद भीगे हुए हैं, देख लो ज़रा। एंड बस वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, मतलब अपनी कार का, तो भाई आ रहा है लेने। एंड सो वेट करते हैं फिलहाल जूते की, यार वाइट जूतों की पेड़ लग गई भाई।